रविवार को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक लगभग 3 घंटे तक चली। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के कई प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। रविवार को हुई बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान भी आया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सभी ने अपने विचार रखे हैं, प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई, लोगों का उत्साह नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल जी पर छत्तीसगढ़ के लोगों ने विशेष भरोसा रखा है। छत्तीसगढ़ का युवा या गरीब या किसान और मजदूर या आम आदमी हो भी सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आगे कुमारी शैलजा ने ये भी कहा कि 5 साल के विकास में उन्हें हिस्सेदारी मिली है, पिछली बार से भी ज्यादा मार्जिन से हम सरकार बनाएंगे। आज हमने प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग अभी हुई, सबने अपने अपने विचार रखे। मोटे तौर पर कुछ जो जनरल बिंदु होते हैं उन पर चर्चा की और सभी लोगों में जो फीडबैक फील्ड से आ रहा है, ज़मीन से आ रहा है, बहुत अच्छा लोगों का उत्साह नज़र आ रहा है। और चर्चा हुई कल की जो एक ऐतिहासिक युवाओं की रैली हुई, राहुल जी ने जिसे संबोधित किया, उसकी विशेष रूप से चर्चा हुई कि वापस जो गए हैं हमारे युवा क्या संदेश लेकर गए, क्योंकि हमारे ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राहुल जी के ऊपर छत्तीसगढ़ के लोगों ने विशेष भरोसा रखा है। पिछली बार जो राहुल जी ने कहा, चुनाव के समय आप अध्यक्ष थे, चुनाव के समय राहुल जी ने कहा, वो चुनाव के फौरन बाद सरकार बनते ही लागू किया, तो कल राहुल जी ने उसका भी उल्लेख किया और आगे के लिए युवाओं में ऊर्जा भरी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ का चाहे युवा हो, चाहे हमारा गरीब भूमिहीन हो, चाहे किसान मजदूर, शहर ग्रामीण, मिडिल क्लास, सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं छत्तीसगढ़िया होने के नाते। और जो यहाँ पर 5 साल में विकास हुआ है उसमें उनको हिस्सेदारी मिली। ऐसा नहीं है कि सरकार ने मुनाफा कमाया और अपने जेब में रख लिया और चुनाव वाले आखिरी साल में कुछ दिखाया। पूरे 5 साल, चाहे कोविड का समय हो, छत्तीसगढ़ के लोगों को कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। और आज यही कारण है कि देश भर में छत्तीसगढ़ की चर्चा है। देश भर में ये माना जा रहा है कि यहाँ पर हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से, पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छे मार्जिन से हम सरकार बनाएंगे। आज चर्चा हुई, फीडबैक लिया, सभी नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। कल फिर से हम बैठेंगे, फिर मीटिंग होगी और ये मीटिंग तो आप जानते हैं कई बार होती हैं, बार बार होती रहेंगी और बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला है। आगे जो बात होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जल्दी आएगी जी। खड़गे जी का दौरा है 8 तारीख को राजनांदगांव में और उसकी पूरी पूरी तैयारी है, लोगों में उत्साह है। आपने देखा जिस प्रकार से कल राहुल जी की रैली रही, उससे पहले खड़गे जी की चांपा जांजगीर में जो रही, उनका जो बोलने का तरीका, लोगों से बातचीत का तरीका, एक अपने आप में लोगों को बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि ज़मीन से उठे हुए हमारे वो नेता हैं और जिस प्रकार से, जिस अनुभव से वो बोलते हैं, उनके सामने मोदी जी कुछ जवाब दे नहीं पाते। लेकिन आने वाले समय में हम सभी लोग मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे, सभी लोग मिलकर, कार्यकर्ता लोग मिलकर ये चुनाव जीतेंगे। हमारे नेता राहुल जी फिर आएंगे, प्रियंका जी आएंगे, खड़गे जी आएंगे और भी अन्य हमारे बड़े नेता लोग समय समय पर आकर हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। देखिए, ये समय के साथ जो फैसला होगा, सभी लोग मिलकर, हमारे मेंबर सभी फैसला करेंगे, उसके मुताबिक हम करते रहेंगे।